गरीब नहीं बोला, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे कैमरामैन को भी खरीदने का औकात रखते हैं। था जो पॉकेट मनी मिलता था 100 रुपया 50 रुपया, उसी से हम लोग ये होता था कि वायर खरीदते थे, वायर वाला माइक, और मोबाइल से स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे 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 पब्लिक का प्यार मिला 3 साल 4 साल बाद, और सीखते गए। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का चेष्टा रहता था, और मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा बलगर मुझे कुछ नहीं लगा, और नॉर्मल है, जो नेचुरल चीज़ें लोगों में होती है। बहुत एक होता है ना कि लोग दिखाते नहीं है बलगैरिटी बट करते हैं, तो वो इसमें ना दिखाया है ना करते, थोड़ा बहुत तो हर कोई अभी नॉर्मली कौन देखता है वीडियो। हर सफल इंसान के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे इन्हें आप निजी तौर पे बहुत देखते होंगे। आज ये हमारे साथ पटना में मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि आपने जो कॉन्सेप्ट चुना, इस कॉन्सेप्ट को आपने कहाँ से लाया, किस तरीके से एनालाइज किया, और लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट मेरा आप लोग और हम लोगों के रियल जिंदगी का है, वहीं से उठाया गया है। कोई ये नहीं है कि काल्पनिक है, ये रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट उठाया गया है। इसमें बहुत सारा कैरेक्टर है जो हमारे साथ हो चुका है, बहुत सारा घटना है जो इसमें हो चुका है, वो चीज़ का तो हम इंडिकेट नहीं करेंगे, लेकिन है आधा वास्तविक आधा काल्पनिक। अच्छा ये बताइए संघर्ष की कहानी, किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं? कुछ लोग होते हैं बड़े घराने से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग बहुत नॉर्मल परिवार से बिलोंग करके और बहुत ऊपर तक जाते हैं। आप किस परिवार से हैं? देखिए हम भी वही परिवार से हैं जो आप सभी लोग रहते हैं, नॉर्मल परिवार से, नॉर्मल भी से नॉर्मल से थे हम। और हमको इस चीज़ के लिए घर से कोई मिलता नहीं था, जो पॉकेट मनी मिलता था 100 रुपया 50 रुपया, उसी से हम लोग ये होता था कि वायर खरीदते थे, वायर वाला माइक, और मोबाइल से स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे 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 पब्लिक का प्यार मिला 3 साल 4 साल बाद, और सीखते गए। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का चेष्टा रहता था, और सीखते 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 पब्लिक का प्यार मिला, उधर से प्यार से कुछ कुछ हम लोग खरीदे, आज बड़े बड़े कैमरा खरीद लिए पब्लिक के प्यार से ही, और भविष्य में और सारा आएगा। तो ये नहीं है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड वो था तो उसी टाइम से हम वो चीज़ उतार दिए, वो कैमरा, ये प्रोफेशनली नहीं, हम जीरो से स्टार्ट किए हैं। जो भी प्यार पब्लिक के प्यार से जहाँ तक है वहाँ तक है, आगे भी मिलेगा तो हम भविष्य में बहुत कुछ करने वाले हैं। मोटका जिनका जिक्र किया गया है वो ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कैसे हैं? अच्छे हैं। 4-5 महीने पहले मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, उसमें आपका एक वीडियो आया था, बहुत मतलब समाज में कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब उसको कहा जाता है नकारात्मक चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ी दिखाई दी थी। सीरीज में यही जो गांव में नॉर्मली होता है वही सब दिखाई दे, शादी में जो होता है, मतलब निजी जिंदगी में लोगों का जो होते रहता है उसी को इसमें दिखाई। अच्छा ये बताइए अश्लीलता को लेकर जब सवाल आता है तो मतलब आपका थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि इनका जो होता है ना अश्लीलता कुछ उसमें रहता है बातों में, हालांकि आमतौर पर लोग उसको एनालाइज करते हैं अपने निजी ज़िंदगी में, बसरते मतलब अब धीरे धीरे इसमें सुधार होगा कि नहीं? हाँ होगा, बहुत हुआ है अभी। हम इनको बोलते हैं अगर हमारा ब्याह टूटा तब हम तुमको बताएंगे, यही इंस्टा पे कंटेंट है मेरा, मतलब कि मान लीजिए कि उसमें हम बोलते हैं कि नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक गरीब बिहार के गरीब बच्चा जुड़ चुका है, तो चंदन कहता है कि ए गरीब नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा कैमरामैन को भी खरीदने का औकात रखते हैं। अच्छा कैसे बोले थे इसको? गरीब नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे कैमरामैन को भी खरीदने का औकात रखते हैं। बिल्कुल अद्भुत चीज़ें लगेगा जब इनके नए वेब सीरीज को देखेंगे, और हमारे साथ एक खूबसूरत चेहरा भी है, क्या नाम है आपका? पीहू अरोड़ा। आपका रोल इसमें कौन सा है? मैं साली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इसमें। हाँ। पहली बार इसमें आई है या फिर इस परिवार से पहले से जुड़ी हुई है? नहीं मैं फर्स्ट टाइम इस सीरीज में आई हूँ और इन लोगों से फर्स्ट टाइम मिली थी, और मैं भोजपुरी वैसे बेसिकली करती नहीं हूँ बट ये फर्स्ट टाइम है, और मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा बलगर मुझे कुछ नहीं लगा, और नॉर्मल है, जो नेचुरल चीज़ें लोगों में होती है। बहुत एक होता है ना कि लोग दिखाते नहीं है बलगैरिटी बट करते हैं, तो वो इसमें ना दिखाया है ना करते, थोड़ा बहुत तो हर कोई अभी नॉर्मली कौन देखता है वीडियोस, तो थोड़ा बहुत तो फन के लिए डालना पड़ता, तो बस वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ बलगर नहीं है इसमें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए जाते जाते लोगों को कुछ कह दीजिए। यही कहेंगे कि और देखकर जो भी कमी बेसी है वो बिझिझक बोलिए, कहे कि आप ही लोग से, आप ही लोग का सुनेंगे हम, किसी और का तो नहीं सुनेंगे, आ कहे कि आप मेरे भगवान है सब कुछ है। तो मोटका का ब्याह सीरीज जरूर देखिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्यार प्यार दीजिएगा, और देते भी हैं, अगर
और मुझे और सारा प्यार चाहिए, और सारा प्यार मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम से जो भी इसमें कमी बेसी है वो चीज़ हम उसमें फुलफिल करेंगे और अच्छे से अच्छे लेवल का सीरीज बनाएंगे। कोई भी प्रोफेशनल नहीं है इसमें, जो भी है हमारा टीम वर्क है, जो भी हम है अपने से सीखकर अपने से खुद किए हैं। निश्चित तौर पे अगर कुछ करना होता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, जिस तरीके से थोड़ा बर्गिलिटी इन लोगों के वीडियोस में थे, लेकिन अब जो है बहुत सुंदर सा वीडियो आएगा और स्क्रिप्ट भी बहुत तरीके से दी जाएगी लोगों को, परोसी जाएगी। इसमें परोसा गया है, इसमें आप जो मेरे चैनल पर देखते थे पहले वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, पूरा हटके है। एडिटिंग से लेकर एंगल, कैमरा एंगल जो होता है अंदर का बात, वो चीज़ सब चीज़ हट के है।